नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं हेलो किसान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जो ऑटोमेटिक स्प्रेयर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारे साथ और हेलो किसान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो स्प्रेयर है यह 16 लीटर की टंकी है इसमें, और आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा स्प्रेयर, और ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक स्प्रेयर है, मतलब कि आप इसको बैटरी से यह जो है चालू होता है और पूरा काम बैटरी से होता है इसका, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, इसमें मिलता है 3-4 तरह के नोजल और कुछ वाशर हैं, प्लास्टिक जो रबर के वाशर आते हैं वो हैं इसमें, ये नोजल हैं। और ये जो भाग है ये है, अगर जो आपकी बैटरी मान लीजिए कभी ख़त्म हो जाती है तो हाथ से ऑपरेट करने के लिए जो हैंडल दिए गए हैं, और ये है पाइप, ये इसकी रबर की पाइप है। जो ये भाग है यहाँ से यहाँ पे लगेगा, और ये जो डंडी है ये यहाँ पर लगेगी, और आप इस डंडी की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये हो गया तैयार हमारा ऑपरेट करने के लिए, और चलिए आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो ये है बैटरी से जो चलता है, यहाँ पर लगी है इसकी बैटरी और यहाँ से होता है ये ऑपरेट। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो बटन है चालू बंद, ये देखिए, ये चालू करो, हो गया, देख सकते हैं आप। और ये जो ये इसको स्पीड जो है इसका प्रेशर धीरे और कम करने के लिए प्रेशर है, यहाँ से होता है, और ये कर दिया बंद। और यहाँ से होता है ये चार्ज, ये सॉकेट दिया है, इसके साथ चार्जर भी आता है जिसकी सहायता से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कि ये आप बड़ा खेत है और आप इसको स्प्रेयर करते करते इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो इसके लिए अलग से दिया गया है ये हाथ से संचालित ये हैंडल। इस हैंडल को आप किस प्रकार से लगा सकते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हैंडल लगेगा यहाँ पर, और इसके लिए ये जो यहाँ पर ढक्कन दिया है इसको खोल लेंगे। ये ढक्कन यहाँ से खुल गया, और ये जो पाइप यहाँ पर लगी है इसको निकाल लेंगे और इस पाइप को यहाँ पर लगाएंगे, और ये ढक्कन यहाँ पर बंद कर देंगे। ये लग गया। इसके बाद ये जो हैंडल है आपका इस प्रकार से दिया गया है, इसको ये जो छोटा हिस्सा है यहाँ पर, या फिर ये बड़ा हिस्सा यहाँ पर लगाएंगे, ये यहाँ पर लगा, और ये जो इसका ये हिस्सा है यहाँ पर छेद है, यहाँ पर डालना है इसको, और ये जो एक मिनट, हाँ, इसको निकाल के यहाँ पर, और ये देखिए, और यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिए हैं, यहाँ पर क्लिप की सहायता से बंद कर देना ताकि ये बाहर ना निकले, और ये आपका हाथ से चलने लगेगा इस प्रकार, ये। तो इस प्रकार से आप जब बैटरी मान लीजिए आपकी ख़त्म हो जाए तो आप इसका हैंडल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, ये किस प्रकार से फवारा चलता है इसका और प्रेशर किस प्रकार से है इसका। दोस्तों, आइए अब इसे टेस्ट करते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो आप ढक्कन खोलेंगे और इसके अंदर ये जाली लगी हुई है जिससे पानी छन कर इसके अंदर जाता है ताकि कचड़ा वगैरह इसमें जाकर ना फंसे। तो इसके लिए आपको डालना होगा इसमें पानी, ये हमने पानी डाल दिया, और इसको करना है बंद, और यह देखिए,
इसको यहाँ से करना है चालू। ये हो गया चालू और ये देख, और ये देखिए यहाँ से ये चालू, ये बंद, ये चालू, ये बंद, यहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। और यहाँ से होता है ये तेज धीरे, ये प्रेशर है इसका, तो आप देख सकते हैं कितना प्रेशर है इसमें। दोस्तों ये है फ्लैट फैन नोजल, ये आप देख सकते हैं, और आइए देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। यह देखिए, ये है फ्लैट फैन नोजल की खासियत, इधर नहीं आएगा और ये यहाँ पर, ये देखिए इसका प्रेशर देखिए आप, तो देखा आपने इसका प्रेशर कितना तगड़ा है। दोस्तों नोजल के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए आप देखते रहिए हेलो किसान यूट्यूब चैनल, और हम आगे की वीडियो में हम डालेंगे कि कौन सा नोजल किस काम में आता है और किस प्रकार की फसल में किस तरह का नोजल काम में करना है उपयोग के लिए। तो दोस्तों देखते रहिए हेलो किसान चैनल, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।